और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, ट्रैकिंग टेक न्यूज के एपिसोड नंबर 33 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको तो पता है हम कितनी अच्छी टेक न्यूज देते हैं, जैसे हर रोज देते हैं वैसे ही आज भी कुछ जबरदस्त टेक न्यूज आपके लिए लेके आए हैं, तो आप देखते रहिए लेकिन एंड तक देखिए क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी फन फैक्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो देखते रहिए। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो के हमारे फीचर्ड कमेंटर है सोमेश शेनॉय। दोस्तों एप्पल की तरफ से कुछ अजीबोगरीब न्यूज आ रही है। जी हाँ, तेलुगु के दो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, वो किसी के भी आईफोन को तबाह कर सकते हैं। जी हाँ, तबाह तो नहीं कर सकते हैं, जो भी ऐप्स होंगे वो क्रैश कर सकते हैं। जी हाँ, एक यूनिकोड बग आया हुआ है आईफोन के अंदर कि अगर कोई भी आदमी आपको, जिसके पास आईफोन है उसको मैसेज भेजेगा जिसमें तेलुगु के दो कैरेक्टर्स होंगे, एक टिपिकल कैरेक्टर्स हैं वो होंगे, तो फिर जो भी ऐप चालू होगी वो क्रैश हो जाएगी। और सिर्फ क्रैश ही नहीं, आप अगर वापस चालू करने की कोशिश करेंगे तो चालू नहीं होगी। तो आपको अगर वो तेलुगु कैरेक्टर्स के साथ नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया, स्क्रीन पे किसी भी तरह से आया, तो फिर आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, आपको वो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर ही वो चालू होगा, वरना चालू नहीं होगा ऐप। मुझे नहीं पता था कि भाई तेलुगु लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि एप्पल आईफोन्स को तबाह कर देगी। दोस्तों दूसरी न्यूज भी एप्पल की तरफ से है, इतनी कुछ खास नहीं है। उनका जो आईफोन एक्स है जो लाख रुपए से भी ऊपर कॉस्ट करता है, उसमें फेस आईडी जो है बहुत जोरों शोरों से लॉन्च हुआ था फेस आईडी। उन्होंने कहा था कि भाई उनका जो फेस आईडी है इतना सिक्योर, इतना स्ट्रांग है कि 1 मिलियन में से सिर्फ एक ही बार कोई बीट कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दोस्तों दो ब्रिटिश बंदे लोग हैं जिनका नाम है जो और ब्रैड, ये दोस्त हैं एक दूसरे के, और आईफोन एक्स जो का जो था वो ब्रैड ने ले लिया और देखा तो इमीडिएटली खुल गया फेस आईडी, हमेशा खुलता है। वो दिखने को सिमिलर है, ट्विंस नहीं है, सिर्फ सिमिलर है, आप अगर देखेंगे उनका फोटो तो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो फोन्स दोनों भी खोल सकते हैं। जी हाँ, ये हुआवी जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने सुना, उन्होंने बोला यार ये आईफोन एक्स को फेंक दो, हम आपको मेट 10 प्रो ये फ्री में देते हैं, कुछ $600-700 का वो फोन है, दोनों को भी दिया। और वो ब्रैड और जो ने कहा भाई हमको आईफोन एक्स नहीं चाहिए, बहुत ही इनसिक्योर फोन है, कोई भी खोल सकता है, कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो एप्पल जी जरा ध्यान रखिए, ये आपका जो फेस आईडी है वो जरा और स्ट्रांग कीजिए। दोस्तों LG के V सीरीज के फोन्स है वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनके जो G5, G6 ये जो है ये इतने खास नहीं चले। और इस साल G7 आने वाला होना चाहिए था मार्च अप्रैल में, या फिर फेब मार्च में MWC में लॉन्च करते थे, वो आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, वो पोस्टपोन हो गया है जून में, और वो नहीं होने वाला है जी सीरीज का फोन। एक जूडी, LG जूडी कोड नेम है उस स्मार्टफोन का, इसके कुछ लीक्स बाहर आए हैं। दोस्तों ये जो LG जूडी है इसका भी हाईलाइट, जैसे हमेशा सभी LG फोन्स के होते हैं डिस्प्ले बहुत बड़ा हाईलाइट है, उसमें आ रहा है MLCD नाम की टेक्नोलॉजी का, जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो MLCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, और जो आपको 800 निट्स तक ब्राइटनेस देगा, मतलब ये जो नॉर्मल फोन्स होते हैं उससे नियरली ट्वाइस, और वो कंज्यूम करेगा 35% लेस एनर्जी। 6.1 इंच स्क्रीन होने वाली है, 845 प्रोसेसर होने वाला है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज होने वाला है, IP68 सर्टिफिकेशन होने वाला है, डुअल कैमरास होने वाले हैं 16 मेगापिक्सल के, 1.6 अपर्चर होने वाला है। तो ओवरऑल ये अच्छे स्पेक वाला फोन है, लेकिन इसका जो हाईलाइट है जो लीक्स के हिसाब से वो होने वाला है उसका डिस्प्ले MLCD टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। जब भी आएगा तो डिटेल्स तो हम जरूर देंगे आपको। दोस्तों लीको अगेन 2-3 साल पहले बहुत ही फेमस हो गया था क्योंकि सस्ते दाम में अच्छे हाई स्पेक्स वाले फ़ोन वो इंडिया में लाया था, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं है, वो जो कंपनी है वो पैसा नहीं है उनके पास, बहुत प्रॉब्लम्स में है, उनके फ़ोन्स बंद हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसी एक न्यूज़ आ रही है कि चाइना में वो एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं और उसका नाम है LEX। जी हाँ, और ये जो फ़ोन है ये नियर बेजललेस होने वाला है, डुअल कैमरास है, दिखने को बहुत अच्छा है। वाइबो जो ट्विटर जैसा चाइना का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसके ऊपर उसके फोटोज़ भी आए हुए हैं, और देखते हैं कि भाई ये जो फ़ोन है ये लीको को बाहर निकालता है दलदल से या नहीं। इंडिया में कब आएगा ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं बोल दूंगा। लेकिन कौन खरीदने वाला है लीको के फोन्स, उनके सर्विस सेंटर भी बंद हो चुके हैं, लोग उनका फोन लेके जाते हैं और ठीक नहीं करवाते हैं, तो जरा ध्यान ही रखिए, इंडिया में आया तो भी सोच समझ के ही खरीदेगा उसको।
लेकिन फिर भी अगर दोस्तों लेना है आपको फोन तो जरा सोच के फिर बाद में डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों ऐसे लग रहा है कि गूगल के जो पिक्सेल 2 और पिक्सेल 2 एक्सेल है ये फोन बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिस्काउंट चल रहा है। जो नेक्सस यूजर्स हैं वो यूएस में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेट 20% इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, और इंडिया में फ्लिपकार्ट के ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको। ये जो गूगल 2 पिक्सेल है इसकी जो कॉस्ट है 61,000 वो अब 11,000 से कम हो रही है, प्लस 8,000 कैशबैक सिटी बैंक कार्ड पे, ऐसे 19,000-20,000 से कम होके आपको 50,000 के अंदर ये मिल रहा है पिक्सेल 2। और पिक्सेल 2 एक्सेल जो 73,000 उसकी कॉस्ट है वो आपको मिलेगा कुछ 54,000-55,000 में। अगेन 8,000 का डिस्काउंट है, 10,000 का कैशबैक है वगैरह वगैरह। लेकिन इसका मतलब क्या कि बहुत सारे डिस्काउंट जब आते हैं इतने बड़े बड़े 15,000-20,000 के डिस्काउंट, इसका मतलब फोन्स बिक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपको लेना है गूगल पिक्सेल 2 या फिर पिक्सेल 2 एक्सेल तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है खरीदने के लिए ये दो फोन्स। दोस्तों हम सभी लोगों ने इंडियन रेलवेज के साथ ट्रैवल किया है और आपको मालूम है आपके पास अगर कंफर्म टिकट होगा तो आप जाएंगे और वो उधर बोर्ड पे पेपर के ऊपर प्रिंटेड लिखा हुआ होता है कि भाई हाँ कंफर्म्ड है, देखिए इधर ले सकते हैं आप, मतलब ये है आपकी सीट, ये है बोगी नंबर वगैरह। लेकिन अब IRCTC पेपरलेस पुश कर रहा है, इसका मतलब इसके आगे से आपको वो रिजर्वेशन चार्ट्स जो है वो नहीं दिखेंगे। जी हाँ, IRCTC वो बंद कर रहा है। इसका मतलब क्या, जब आप टिकट बुक करेंगे आपका कंफर्म होगा, या तो आपको कंफर्म्ड SMS आएगा, मतलब आएगा ही SMS, और साथ में पेपर की जगह पे अब डिजिटल बोर्ड्स होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिधर आप देख सकेंगे भाई मेरा नाम है, मेरी बोगी कौन सी है, मेरा सीट कौन सा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, उतने ही जो ट्रीज है हमारे कम कट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो बोर्ड पे आप देखते हैं कितने सारे पेपर्स होते हैं लटके हुए और फिर फेंक देते हैं उसको। तो ये एक अच्छी मूव है IRCTC की तरफ से। और दोस्तों अब वक्त हो गया हमारे ट्रैक इन टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों ने जब सिग्नल नहीं होता है तो स्मार्टफोन ऐसे ऊपर हवा में किया हुआ होता है क्योंकि उनको लगता है सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा वहम है, कुछ नहीं होता है उससे। साइंटिस्ट या फिर जो रिसर्चर्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई आपने फोन जो है वो हाथ में लिया सिग्नल नहीं आ रहा है, और अगर आप हाथ ऊपर करेंगे और फोन को ऐसा करेंगे तो सिग्नल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ, उससे अच्छा उन्होंने कहा कि आप 2 स्टेप्स दूर जाइए, 5 स्टेप्स दूर जाइए, शायद उधर सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो हाथ के ऊपर भी नहीं आएगा दोस्तों। तो ये एक फन फैक्ट याद रखिए। दुनिया में इतने लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं जितने लोगों के पास टूथब्रश भी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं लेकिन दांत घिसने के लिए टूथब्रश नहीं है। उतना ही नहीं, मोबाइल फोन्स ज्यादा है, टॉयलेट्स कम है। सोचिए, लोगों को दांत घसना नहीं, मोबाइल फोन पे खेलते रहना ज्यादा पसंद है। दोस्तों यही थे आज के हमारे टेक्नोलॉजी फन फैक्ट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करके बताइए आपको कैसे लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।